करीब 2500 करोड़ की लागत से बनने वाली जमरानी बांध के लिहाज से होने वाले विस्थापन में देरी हो रही है। सांसद अजय भट्ट के मुताबिक जिस तेजी से विस्थापन होना चाहिए था वह नहीं हो पा रहा है और यह सच है कि आधुनिक संसाधन होते हुए भी बिना विस्थापन के बांध का काम आगे नहीं बढ़ पाएगा, जो चिंता का विषय है। सांसद अजय भट्ट के मुताबिक ADB की टीम को भी जमरानी आना था, लेकिन कोविड की वजह से वह टीम भी नहीं आ पाई। लेकिन बांध के लिहाज से सारी स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि आर्थिक हालातों के लिहाज से सांसद अजय भट्ट PM मोदी और जल संसाधन मंत्री को भी पत्र लिखा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बांध का काम तेजी से आगे बढ़ेगा। की वजह से परेशानी आई है, वरना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें ADB की जो टीम ने आना था वो आने में विलंब हो गया है, क्योंकि बाहर से वो नहीं आ पा रहे हैं कोविड की वजह से, इसलिए थोड़ा दिक्कत आई है। प्रोग्रेस में है, सारी तो स्वीकृतियाँ मिल गई हमको, जो थोड़ी आर्थिक तौर से मिलनी थी उसके दूसरे रिसोर्सेज पर भी हमने विचार किया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को इस मामले में अलग से पत्र भी लिखा है, जल संसाधन मंत्री जी को भी अवगत कराया है कि सारी चीज़ें हो गई हैं। और थोड़ी परेशानी ये आ रही है उसमें कि अभी तक हम लोग विस्थापन नहीं कर पा रहे हैं, सारे संसाधन होते हुए भी बिना विस्थापन के काम चालू नहीं हो सकता है, क्योंकि लोगों का भावात्मक एक लगाव होता है, भावनाओं में लोग अपना गांव छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो उनको सारी सुख सुविधाएं और अच्छे रेट की ज़मीन दूसरी जगह पर हम लोग दे पाएँ वैसी ही इसका प्रयास हो रहा है, खोजबीन जारी है। मैं समझता हूं इधर भी एडमिनिस्ट्रेशन और सिंचाई विभाग बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, जल्दी हमारी उपलब्धि होगी। वो बनना तो है ही, डैम में थोड़ी देर ज़रूर हो रही है, जो 40-50 साल से रुका था अब तो सारी उसके हर्डल्स हमने दूर कर लिए हैं, तो कोई चिंता का विषय नहीं है।